अरे ये क्या लटका हुआ है? फंदा खोल दे यार, कहीं कोई दूसरा बंदा ना फंस जाए उसमें। सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं मोबाइल बल्दी और आप देख रहे हैं अलबादी व्लॉग। तो गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा लेट हो रही है, मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी, कोई इसको ले गया हूँ पार्क में। इसके लिए एक मिनी ट्रक का बड़ा सा टायर ले गया हूँ भाई, आज इसकी रनिंग की प्रैक्टिस कराएंगे। और भाई ग्रिपिंग के लिए इसका मोटरसाइकिल का या साइकिल का भी टायर नहीं मिला, वो भी एक दो दिन में अरेंज करके उसकी भी ग्रिपिंग की मस्त प्रैक्टिस कराएंगे। तो गाइस डेविल की प्रैक्टिस कराने के बाद शाम का प्लान है जंगल में जाने का, क्योंकि आज संडे, आज सारे दोस्त फ्री, हम आज इकट्ठे हो गए, आज जंगल में जाएंगे। तो पहले भी डेविल की रनिंग करा देता हूँ भाई। कितना पागल हो रखा है डेविल को देख देख के, जब से भूखे ही जा रहा है इसकी तरफ। ये अभी नीचे आ गया ना, इसको फपेड़ देगा डेविल अच्छे से। तो गाइस रस्सी तो बांध दी टायर पे, ये देखो भाई कितना बड़ा टायर है, वीडियो में लग नहीं रहा होगा। डेविल खींच लेगा इसको, देख अभी खींच पाता है नहीं भाई। ये ले गया, आपने देखा इतने बड़े टायर को कैसे खींच लेगा, मेरे को तो 1% एक्सपेक्ट नहीं था भाई ये ऐसे ले जाएगा। मेरे को लगा कि थोड़ा सा दम तो लगाना पड़ेगा भाई, इसने तो कुछ भी वजन नहीं माना भाई, ये इजीली खींच लेगा। ओ भाई ये देखो गाइस कैसे खींच लेगा। गाइस इतने बड़े टायर को तो ऐसे ले घूम रहा जैसे किसी साइकिल का टायर हो। तो गाइस छोटे ट्रक के टायर के तो ये ऐसे लेके भाग रहा है जैसे कि कोई साइकिल का टायर हो, इसके लिए नेक्स्ट टाइम बड़े ट्रक का टायर लाना पड़ेगा, तब देखते हैं भाई ये खींच पाता है नहीं। छोड़, ये क्या कर रहा है तू? ये क्या कर रहा है तू? तो गाइस इसकी प्रैक्टिस तो हो चुकी है, अभी इसे घर पे लेके चलता हूँ। विवेक का कॉल आ चुका है, अभी मैं जाके खाना पीना खा लेता हूँ और तैयार हो जाता हूँ, उसके बाद चलते भाई जंगल में। तो देखो भाई इसकी फुर्ती नहीं रुक रहा, और ये कुत्ता भाई भोग भोग के पागल हो गया। ये तो थकेगा या नहीं? ठीक है भाई जा रहे है, मत पागल हो तू। एक घंटा हो गया मुझे यहाँ पे, ये एक घंटे से लगातार भोग के जा रहा है। डेविल को तो बांध दिया, विवेक भी आ चुका है। चले भाई कहाँ चल रहे हैं? अभी जंगल में चलते हैं भाई। तुमने तो लास्ट जो ट्रैप बनाया था भाई वो काट रहा, वो मेरे को समझ नहीं आया। अरे इतनी मोटी रस्सी थी यार, हमें लगा कि क्या ही काट पाएगा वो। यार तुम पागल हो गया, तुम मेरे को पता था तुम मेरे बिना नहीं पकड़ पाओगे भाई। अच्छा वुल्फ कैचर, तो गाइस वुल्फ कैचर आ गए। इसे लेके चलते आज। सारी चीजें तो रेडी कर लिया, अभी चलते जंगल में। अभी ईशान और मोहित भी आ रहे हैं, तो सारे इकट्ठे होके चलते हैं। रस्सी वस्सी कुछ भी नहीं लेके जा रहे, बस उसका ठिकाना देखने जा रहे हैं कि कहाँ कुछ मिल सकता है। पर लेकिन एक मिनट भाई, मैंने ना जैसे तुम्हारी लास्ट वीडियो देखी ना, मैं तो बाहर था, तो फिर ना मैंने एक केज मतलब असली वाला वो कर दिया भाई, लोहे का मतलब बुक, वो आ जाएगा 2 दिन के अंदर। अच्छा लगाएंगे यहाँ भाई। भाई जंगल की एंट्री पे आ चुके हैं, और ये देखो बाइक लेके आया, आज टाइम वाइम सारी चीज बचेंगी। और ये क्यों ले आया? क्या स्टिंग वगैरह क्यों ले आया? ये भाई अगर बाय चांस एकदम से अगर वुल्फ वगैरह या कुछ भी आ गया ना, तो ये पी के भाग लूंगा भाई, एनर्जी मिलती है इससे। एक काम कर दे, दोनों बाइक पे चलते हैं। और मैं, तू भी चलियो, चल पहले नीचे तो उतार ले, नीचे उतार लेते पहले। तो भाई नीचे तो उतर चुके, चल 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 भगा भगा छोड़ दिया उसको। भाई मैं और मोहित तो आ चुके हैं, और भाई ईशान भी पहले से खड़ा हुआ था। क्या कर रहा था तू यहाँ पे कुएं पे? है वेटिंग कर रहा था। तो गाइस ये पहले ही आ गया था, हमसे काफी वेट कर रहा था। कौन आ रहा भाई? फुल स्पीड में भागता आ रहा है भाई। अरे धूल उड़ा दी ये, इतनी धूल की उड़ा दी भाई, मैंने आधी स्ट्रिंग पी ली, उसी का कमाल है ये। अबे साले तभी लास्ट टाइम हमने देख यहाँ पे किसी ने फंदा लगा रखा था, तूने देखा था ईशान? तू था ना उस दिन? हाँ ये था हमारे साथ, तू नहीं था हमारे साथ। और हमने जो आगे फंदा लगाया था ना, हमारा सीसीटीवी भी नहीं मिला भाई। भाई वो सीसीटीवी गायब हो गया, कुछ जुगाड़ हो सकता है उसका? दिया नुकसान, जीपीएस वाला ना था वो। अरे तो फिर अब बात बता, वो इतना ऊपर में लगाने का तो था भी नहीं भाई, छुपाया था। छुपाया था, दिखाइए एक बार इधर आइए, इधर आ तेरे को दिखाते हैं कहाँ छुपाया था। यहाँ पे तो फंदा लगा हुआ था, छुपा रखा था वो, हाँ यहाँ पे रख रखा था। और तेरे को पता है सुबह यहाँ से रिक्शा के टायर के निशान देखे थे हमने, कोई आदमी हो गया। हाँ चोरी हो गया भाई यार, कोई ना कोई इंसान ही लेकर के वो गया। गाइस अभी तो अंधेरा स्टार्ट हो चुका है, अभी जंगल के और आगे चलते हैं। आज तो हम काफी ज्यादा बंदे आए हुए हैं, और सेफ्टी के लिए क्या हमारे पास? ये ये चारा हमारे पास, अगर वुल्फ आएगी ना इसे आगे डाल देगी, स्लीप बैग की तरह तेरे को वुल्फ खींच ले जाएगी, इस बारी बचाऊंगा। ओ भाई पैर ठीक हो गया तेरा? ना धड़का था अभी है। अरे ये देखो गाइस अभी भी खुरंड आ रखा है इसके पैर पे। गाइस अभी आगे और भी घने जंगल में चलते हैं, देखते हैं कि वहां पे क्या सीन होता है। हट जा भाग ले ओए, और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह। गाइस बाइक तो हमने वहीं पे छोड़ दी, क्योंकि हम तीन बंदे थे भाई, और आगे फिर वो विवेक भी उठाना पड़ता अभी। फ्रेश हो रहा है? अरे भाई मैं थक गया, वो स्टिंग का असर खत्म हो गया, दोबारा पिलाओ। चल आगे खड़ा, इतना बजट नहीं हमारा, पैदल हो ले चुपचाप। तो गाइस आज गुफा के पीछे वाले रास्ते पे आए हैं, ये देखो भाई
और लास्ट टाइम यहाँ पे इस रास्ते से आए थे जब ईशान का पैर खींचा था भाई वुल्फ ने। अब किस तरफ चलना, आप इसी तरफ चलना है? आगे एक पहाड़ी सी लग रही है वहाँ पे, चले ऊपर से देखें कि क्या कुछ है नीचे। भाई मेरे को ना लगता है कि पहाड़ी के ऊपर ही कुछ हो सकता है। आगे वाली पहाड़ी वो है, वो देख लें कि बीच में उनका कुछ घर वगैरह दिखता है नहीं। डर सा लग रहा है यार, कहीं एकदम से आकर के अगर झपट्टा मार लिया तो। नहीं, तीन चार बंदे हैं ना भाई, और लाइट वाइट ऐसे जला के रखो थोड़ा सा यार। जानवर भी तो डरते हैं यार इंसान से। जानवर को पता लग जाए कि भाई यहीं आना है। अरे नहीं, जानवर डरते भी तो इंसानों से। पार्टी है और वुल्फ इसे पकड़ के ले जाए, वो सोचे कि जंगली बंदर हमारे जंगल में कब्जा करने आ गया। मजाक वजाक छोड़ो, इकट्ठे हो लो सारे। तो गाइस अभी काफी आगे आ चुके हैं और भाई दो रास्ते आ चुके हैं यहाँ पे भी। भाई हाँ, ये देख, ये एक ये रास्ता जा रहा है, एक ये वाला जा रहा है। ये तो ज्यादा झाड़ियों वाला रास्ता है यार। ये क्या पड़ा? ओ भाई, ये किसी जानवर की शायद पोटी पड़ी हुई है। मेरे को लगता है कि ओ भाई आगे, भाई मेरे को लगता है कि आगे ही है कुछ। इसी वाले पे चलते हैं भाई, कोई ना कोई जानवर तो मिलेगा यार। कितने ऊपर आ गए? ओ भाई ये देखियो, पहाड़ी का ऊपर वाला हिस्सा आ गया ये तो। भाई यहाँ से ना ये दूसरी पहाड़ी स्टार्ट हो रही है। फिर मत जाना यार, पीछे हो जाओ। ये देखो गाइस, ये पहाड़ी के ऊपर आ गए भाई हम। ओ भाई पीछे हो गया यार। ये खोखली तो नहीं है नीचे से? ये देखिए एक बार, खोखली है ना, पीछे हो जाओ। हम पेड़ से भी ऊपर खड़े हैं। तो गाइस ये देखो, इन पेड़ों के साथ साथ खड़े हम, और ये इतने ऊंचे हैं ये देखो भाई। ये कच्ची है भाई, ये मिट्टी बिल्कुल ही। ये क्या आवाज है पीछे से? उधर से ना, मेरे को भी आई ना। एक तो इसका इसका देख लो, इसके फोन नहीं खत्म नहीं होते। ओए ईशान, ये कैसी आवाज है? चलो भाई देखते हैं। उधर से आवाज आ रही है, बच्चे की आवाज, की आवाज। अरे ये क्या लटका हुआ है? अबे क्या कर रहा है? फोन भी गिर गया यार सारा। साफ कर, लगी तो नहीं? लगी तो नहीं। अरे यार फोन भी सारा गंदा हो गया, करना पड़ेगा ये पहले। भाई क्या सीन है? अरे उठ जा भाई। अरे यार ये बैठा दे इसको। आवाज क्यों कर रहा था भाई? पानी वानी दे यार इसको, कुछ पानी वानी। यार पानी यार भाई, ये पी ले आराम से, आराम से पहले पी ले। यार ये ऊपर क्या कर रहा था, क्या सीन था ये? पता नहीं, यही बताएगा अब तो भाई क्या सीन था। इसी की आवाज आ रही थी क्या तब से? मैं अपनी मम्मी को रोटी देने आया था, तो मैं वापस आ रहा था तो यहाँ पे रस्सी का फंदा पड़ा हुआ था। रस्सी का फंदा फंस गया। अरे यार भाई, ये किसी ने वुल्फ के लिए लगा रखा होगा पक्का। अब ठीक है भाई? अब ठीक है ना तू? लटका हुआ था तू पे। अरे यार जो साइड हम पहाड़ी देख रहे थे, इस साइड के लड़के की आवाज आई भाई, वो किसी फंदे में फंस गया था, किसी ने वुल्फ के लिए लगा रखा था। और भाई ये पहाड़ी के आगे ना वुल्फ का काम, फंदा खोल दे यार, कहीं कोई दूसरा बंदा ना फंस जाए उसमें। काम करते भाई, लेट हो गया, घर की तरफ चलते हैं। निकल ही लेते यार घर की तरफ। मेरे पैर में थोड़ा दर्द है भैया, गोद में उठा लोगे? भाई उठा लेंगे, विवेक तू उठा ले यार। निकाल दिया, आ जा फिर जल्दी आ जा, साइड में फेंक देना अच्छे से। हाँ किसी का पैर वैर ना टिक जाए उस पे। भाई हम तीन चार जने इकट्ठे हो गए इसलिए आए थे, क्योंकि वुल्फ वगैरह देख के चलेंगे। आदमी क्या गलत सीन हो गया यार, बहुत गलत हुआ। और भाई अभी हम इस लड़के को साथ लेके जाएंगे, कैसे देखेंगे? छोड़ आते हैं ना। हाँ फिर उसके बाद वापस आएगा जंगल में? वापस तो नहीं आया जाएगा यार, क्योंकि लेट हो गया ना काफी ज्यादा। विवेक बोल रहा था कि फंदा बंदा तुम क्या ले गए थे लास्ट वीडियो में, मेरे को लेके चलते। बात नहीं, ये चीज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब दो दिन बाद फंदा भी आ जाएगा ना तब अच्छे से करेंगे। भाई तू पहले बाइक पे? अरे हाँ मैं ही सोच रहा हूँ कि ना इस बाइक को ना छोड़ाऊंगा ना मैं बाइक पे ही। इसको छोड़ने के बाद मिलेगा कहाँ पे फिर तुम? भाई तुम बताओ। इसको छोड़ने के बाद कॉल कर लियो तू, फिर मिलते हैं। पकड़ ले आराम से, पकड़ ले भाई, गिर मत जाइयो। तो गाइस विवेक को तो उस लड़के के साथ भेज दिया था, उसको छोड़ने के बाद फिर मिलेगा हमसे। अभी हम भी जंगल से निकल लेते हैं। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे जब भी आएंगे, जब हमारे पास वो फंदा आ जाएगा, दो तीन दिन बाद आ जाएगा, और उसकी भी चेन वगैरह लगे, सारी तैयारी करके फिर अच्छे से आएंगे और वुल्फ को पकड़ के जू में डाल देंगे। उनको रेस्क्यू टीम को दे देंगे यार, जू में तो रहेगा ना, सेफ रहेगा वहाँ पे। वही तो, क्योंकि यार यहाँ पे जंगली जानवर क्या पता वो कितने बंदों को नुकसान पहुंचा दे। विवेक और ईशान तो फ्लैट पे जा चुके हैं, अभी हम खाने पीने आए थे। ये देखो पहले ही खाने लग गया। उस लड़के के साथ क्या सीन हो गया यार? भाई बहुत गलत ही सीन हुआ। ये देख तो आ रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले फंसा, अगर ज्यादा देर हो जाती तो। बंदे फंसे फंसे वहाँ पे, कोई जंगली जानवर आ जाता तो दिक्कत हो जाती उसको। आगे से ना तो मतलब जो भी लगा के जा रहा है वो ये तो ध्यान रखे की मतलब कोई आदमी तो ना। हाँ वही चीज है यार, क्योंकि हमने भी गाइस लास्ट टाइम लगाया था ना, तो हमने भी थोड़ी सी सेफ्टी के साथ लगाया। इस टाइम लगाया ना वो ऐसी जगह लगाए जहाँ पे कोई इंसान ही ना जा पाए। भाई अभी तो ये खा पी लेते और फिर फ्लैट पे जाके बात करते हैं आपसे। इस फ्लैट पे तो आ चुके हैं, यहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम है, विवेक को यही ढूंढ ले, यही मिलेगा वो कहीं बर्तन वर्तन मांजता। तो
इस फ्लैट से तो घर पे आ चुके थे भाई, विवेक वहाँ पे मिला ही नहीं, वो मेरे ख्याल से अपने घर पे चला गया होगा। तो वहाँ से निकल लेते खाना पीना खा के, अभी बस मैं सोने जाऊंगा। और भाई आज की बात करें ना, आज वुल्फ के चक्कर में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी वहाँ पे, क्योंकि लोग वुल्फ पकड़ने के लिए फंदे वगैरह लगा देते हैं, उनमें भी इंसान वगैरह या कोई भी छोटा जानवर फंस सकता है। जैसे आज वो बच्चा फंसा हुआ था, विवेक ने एक मस्त ट्रैप मंगा रखा है, वो 2-3 दिन में आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, रेविड आपको कैसे लिख कमेंट करके बताना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे भाई का चैनल है अलबादी का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।